14 अप्रैल को संपूर्ण देश में राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन 66 फायर कर्मियों को समर्पित है जिन्होंने कर्तव्य पालन में तेज उठती लपटें और उनके बीच किसी उजड़ते आशियाने को बचाने में अपने प्राणों की आहुतियां दी। फायर सर्विस कर्मी हर दिन आग से खेलने का कार्य करते हैं। इस खतरनाक काम को अंजाम देते हुए उन्हें अपनी जान की भी फिक्र नहीं होती। फिक्र होती है तो सिर्फ उस जलते मंजर या फिर उसमें धधकती जिंदगी को बचाने की। दूसरे हिस्से की तमन को झेलते हुए जनता की रक्षा और सुरक्षा के लिए कृत संकल्प तो इस जाबाज फायरमैनों के दल के लिए अग्निशमन दिवस महज कौशल प्रदर्शन का मंचन है, वरन ये स्मृति दिवस है। उन 66 अग्निशमन कर्मचारियों को शहादत का जिन्होंने जनसेवा करते हुए संघर्ष मृत्यु का वर्ण किया। 14 अप्रैल 1944 का एक धड़कता शुक्रवार था जब विक्टोरिया डाक मुंबई से सेना की विस्फोट सामग्री से भरा फोर्ट स्टीफन के मालवाहक पानी का जहाज लपटों के आगोश में समा गया। आग पर काबू पाने के लिए मुंबई फायर सर्विस के सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचे। अदम्य साहस और परिक्रमा का प्रदर्शन करते हुए इन जाबाज अग्निशमन कर्मचारियों ने ज्वाला पर आग काबू करने का संपूर्ण प्रयत्न किया। अथक प्रयास के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया गया, लेकिन जिस कोशिश को 66 फायर विग्रहों को अपनी जान की आहुतियां देनी पड़ी। शासक फायर कर्मियों की शहादत के परिप्रेक्ष्य में इस दिवस में एक सप्ताह तक अग्नि से बचाव एवं एक सुरक्षा संबंधित योजनाएं चलाई जाती हैं। सप्ताह के दौरान फायर सर्विस द्वारा विभिन्न कारखानों, संस्थानों और ऐसे संस्थान जहां पर आम जनमानस का एकत्रीकरण होता है पर अग्नि से बचाव संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। सप्ताह के अंतर्गत नागरिकों को अग्नि से बचाव एवं सावधानी बरतने के संबंध में जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके क्रम में आज अग्निशमन विभाग जनपद मथुरा में राष्ट्रीय अग्निशमन स्मृति दिवस मनाया जाता है, जिसमें मुख्य अतिथि अग्निशमन अधिकारी मथुरा ने जिलाधिकारी मथुरा महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जनपद के अन्य उच्च अधिकारियों को पिन फ्लैग लगाया और जनपद में अग्नि से बचाव और सुरक्षा संबंधी जन जागरूकता अभियान का आरंभ भी किया।